नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु केतु के राशि परिवर्तन के विषय में। राहु केतु का राशि परिवर्तन 12 अप्रैल 2022 को प्रातः 10:36 से राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में चले जाएंगे। ये जो गोचर है ये 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। ये जो प्रेडिक्शन है ये कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए, कर्क लगन वाले जातकों के लिए है। कर्क लगन वाले जो जातक हैं, आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके देखेंगे, उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहां पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहां पर चार अंक लिखा है, अगर यहां पर चार अंक लिखा है तो आपका कर्क लगन है, कैंसर एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले कर्क लगन वाले जातकों के लिए राहु केतु कहां कहां प्लेस रहेंगे। केतु ग्रह इनके फोर्थ हाउस में और राहु ग्रह इनके 10th हाउस में मेष राशि से गोचर करेंगे। राहु ग्रह और केतु ग्रह इनके फोर्थ हाउस से तुला राशि से गोचर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह का इनके 10th हाउस में आना इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को, अगर ये किसी पॉलिटिक्स इत्यादि में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो ये समय इनके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। ये पॉलिटिक्स में जाकर के एक अच्छा नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक हैं वे अपने बिजनेस, व्यापार, जॉब या जो भी उनका ऑक्यूपेशन है उसके अंदर सभी प्रकार की कूटनीति का प्रयोग करके अपने कार्य व्यवसाय को, अपनी जॉब को ऊपर उठाने का, चमकाने का प्रयास करेंगे। ये उनके लिए बेहतर रहने वाला है। कार्य व्यवसाय के लिए समय उनके लिए उत्तम रहने वाला है। सभी प्रकार के कार्यों को करके ये अपने कार्य को, अपने जॉब, अपने ऑक्यूपेशन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। समय उनके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक हैं इन्हें अपने माता पिता की हेल्थ के लिए ध्यान रखना चाहिए। इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक हैं उनके संबंध उनके पिताजी के साथ थोड़े से, उनके फादर के साथ थोड़े से खराब हो सकते हैं, ऐसी यहाँ पर राहु ग्रह बताते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर उन्हें उनकी हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की दृष्टि के विषय में। जब राहु ग्रह की पांचवी दृष्टि, 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि जब आपके सेकेंड हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि आपको कर्क लगन वाले जातकों को अचानक से एक धन का फ्लो मिल जाने की संभावना यहाँ पर प्रतीत होती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को अच्छे शब्दों का और मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर कर्क लगन वाले जातकों को नाक, कान, गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या कोई डिजीज है या कोई इन्फेक्शन इत्यादि है तो उसके लिए केयरफुल रहें, अदरवाइज इस समय अंतराल के अंदर इस प्रकार की कोई डिजीज होने का, यहाँ पर होने की संभावना बनती है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। इस समय अंतराल के अंदर खाने पीने की चीजों के अंदर भी अच्छी चीजों का मिलना यहाँ पर दिखाई देता है, परंतु केयरफुल होकर के खाएं। जितना आप खा सकते हैं अपनी लिमिट, अपनी हैबिट के अनुसार खाएंगे तो बेहतर रहेगा। इसके बाद राहु ग्रह की सप्तम दृष्टि जब आपके फोर्थ हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको एक नया घर देने का यहाँ पर राहु ग्रह प्रयास करेंगे, जो आप प्राप्त कर पाएंगे। अचानक से आपको आपका सपनों का घर मिल जाए ऐसी भी संभावना है, आपको कोई नया घर मिल जाए ऐसी भी संभावना यहाँ पर प्रतीत होती है। इस समय अंतराल के अंदर आप अगर कोई व्हीकल इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो ये राहु ग्रह आपको अचानक से एक व्हीकल प्रदान कर देंगे। अचानक से आपको बैठे बैठे प्लान बन जाए कि एक व्हीकल खरीदना है और आप जाकर के एक व्हीकल परचेज करके भी आए, ऐसी संभावना यहाँ पर प्रतीत होती है। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की नवी दृष्टि की। 7 8 9 एस्पेक्ट जब आपके सिक्स हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके मामा और मौसी की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में उन्हें उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई ऋण लेना चाहते हैं तो वह ऋण उतना ही ले जितना आप पे कर पाए, एक प्लानिंग पूरी बना लें कि यहाँ से धन आएगा और यहाँ से आप ऋण का भुगतान कर पाएंगे, तभी आप बेनिफिट में रहेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अदरवाइज इस समय के अंदर आपके द्वारा लिया हुआ ऋण लंबी अवधि के लिए आपके साथ बन जाएगा, जिसे आप पे करते करते परेशान हो जाएंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपसे कोई ऋण मांग ले, आपको केयरफुल होकर के ऋण देना चाहिए, अदरवाइज आपका दिया हुआ ऋण भी
लंबी अवधि के लिए बन जाएगा, आपके पास ऋण आएगा नहीं, आप दूसरे का ऋण दे नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम वाली स्थिति बनती है। इसके साथ साथ अच्छी खबर ये मिलती है कि इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगने वाले जातकों के कुछ एनिमीज जो होते हैं वे इन्हें दबा पाएंगे, शांत कर पाएंगे, वे इनके सामने सिर उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसा संभावना पता चलती है। तो यह था राहु के विषय में। अब बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह का यहाँ पर आना ये बताता है कि इस समय अंतराल के अंदर आप कोई पेट्स इत्यादि ला पाएंगे, अपने घर के अंदर कोई पेट्स इत्यादि आप पाल सकते हैं या किसी पेट्स की आप सेवा करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपकी भावना होगी, दिल से भावना होगी कि आप किसी पेट्स की सेवा करें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके माता पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल लेना चाहिए, उनके अगर कोई डिजीज है, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप समय समय पर डॉक्टर से कंसल्ट लेते रहें ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। इसके बाद केतु ग्रह की पांचवी दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, एक चीज और यहाँ पर केतु ग्रह बताते हैं, इस समय के अंदर आप अपने घर के अंदर कोई धार्मिक अनुष्ठान कर पाएंगे, धार्मिक आयोजन करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद जब केतु ग्रह की पांचवी दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में आपके कुटुंब के सदस्यों का जो रिलेशन आपके साथ है वो थोड़ा सा खराब हो सकता है, तो उसके लिए केयरफुल होकर के मैनेज करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके बाद जब केतु ग्रह की सातवीं दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर, देखिए अप एंड डाउन तो आएगा परंतु राहु का यहाँ पर होना ये बताता है कि इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय में सभी प्रकार की कूटनीति का प्रयोग करके आप अपने कार्य को पूर्ण करा पाएंगे, आपके कार्य पूर्ण होते दिखाई देते हैं। इसके बाद जब केतु ग्रह की नवी दृष्टि 7, 8, 9 एस्पेक्ट जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके द्वारा किया हुआ दान पुण्य ही इस स्थिति में आपको संभाल पाएगा। आपकी कोई भी ग्रह दशा महादशा चल रही हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इस समय अंतराल के अंदर कुछ दान पुण्य इत्यादि करते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन के जो बड़े बड़े ऑब्स्टेकल हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां जिन्हें आप अभी झेल रहे हैं या जो आने वाली है उन्हें आप हटा पाएंगे, उनमें से निकलने का एक मार्ग आपको प्रदान हो जाएगा। तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपका धन आपकी स्पाउस की हेल्थ के लिए, आपके स्वयं की हेल्थ के लिए, आपके माता पिता की हेल्थ के लिए यहाँ पर खर्ची होता दिखाई देता है, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें और उनकी हेल्थ का ध्यान रखें और दान पुण्य इत्यादि करें। अब अगर इस स्थिति में अगर हमें कोई नया काम करना हो, कोई नई चीज परचेज करनी हो या राहु केतु की हमें ये नेगेटिविटी प्राप्त हो रही है तो हम उस स्थिति में क्या उपाय कर सकते हैं, उस स्थिति में आप चांदी की डिब्बी में शहद भर करके घर से बाहर जमीन में दबाएं, ये उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से राहु केतु की नेगेटिविटी जो आपके ऊपर बनी हुई है उसमें काफी रिलीफ आपको प्राप्त होगा और आपके कार्य निर्विघ्न पूरे होते चले जाएंगे, आपके जीवन में खुशियों का आना लगा रहेगा। तो ये था कैंसर असेंडेंट वालों के लिए, कर्क लगन वाले जातकों के लिए राहु केतु के राशि परिवर्तन का फल। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।